नमस्कार, मैं हूं नितिश सिंह और मैं आज प्रयागराज में स्थित खुसरो बाग के मकबरे में आया हूं। ये देखिए, खुसरो बाग का मकबरा का ये रहस्य है जो मैं दृश्य दिखा रहा हूं। ये खुसरो बाग के मकबरे में निसार बेगम का मकबरा है। अब इस मकबरे का मैं थोड़ा रहस्य बताना चाहूँगा। निसार बेगम का मकबरा जो कि खुसरो बाग में स्थित है, ये निसार बेगम खुसरो की बहन थी। निसार बेगम का मकबरा शाह बेगम के मकबरे के समीप है और वो देखिए ये शाह बेगम का मकबरा है। यह मकबरा का निर्माण अर्थात निसार बेगम का मकबरा का निर्माण 1624 से 1625 ईस्वी में स्वयं उन्हीं के द्वारा करवाया गया था। अब मैं आपको शाह बेगम के मकबरे की ओर ले जाना चाहता हूँ, तो चलिए शाह बेगम के मकबरा की ओर। अब मैं आपको शाह बेगम की मकबरे की ओर ले जाना चाहता हूँ। तो ये है शाह बेगम का मकबरा जो कि खुसरो बाग के मकबरे में स्थित था। हम सभी जानते हैं कि अमीर खुसरो, जो कि अकबर के दरबार का एक बहुत ही अच्छा पोइट्री अर्थात कवि था, और मैं आपको ले जाना चाहता हूँ शाह बेगम के मकबरे की ओर। थोड़ा प्रतीक्षा करें। ये देखिए, ये शाह बेगम का मकबरा है और ये मकबरे का आखिर निर्माण इसलिए करवाया गया था क्योंकि जहांगीर के समय में जो भी उनके उत्तराधिकारी हुए और उन्हीं लोग के एक या क्या उसको बोल सकते हैं, आराम आश्रय के रूप में इस मकबरे का निर्माण करवाया गया था। अर्थात अब हम आगे की ओर चलते हैं। यह एक चबूतरा था, इसी चबूतरे पे इस शाह बेगम का मकबरा का निर्माण। इधर से हम लोग देखते हैं तो देखिए मकबरा का कितनी ही खूबसूरत रहस्य है। ना मैं किसी आँख का नूर हूँ, ना मैं किसी दिल का करार हूँ, जो किसी का काम ना सका मैं वह बुझता हुआ चिराग हूँ। इसी को कहते हुए अमीर खुसरो ने अपने वाणी को विराम दिया था। उसी अमीर खुसरो की मकबरे के समीप इस मकबरे में मैं एक छोटा सा प्रयास है कि आप सभी को घुमा सकूं, और घुमाने का प्रयास कर रहा हूं। ये देखिए, बच्चे ही देश के भविष्य हैं और ये छोटे छोटे बच्चे तथा बच्चियां इस मकबरे में खेल रहे हैं। और आई वांट टू इंट्रोड्यूस विथ माई ब्रो, दिस इज हाय गाइज रौनक, माई यूट्यूब चैनल नेम आर के वेडिंग शॉर्ट्स। प्यार दीजिए, सपोर्ट।